दोस्तों नमस्कार, मैं अमित दुबे। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हेल्थ रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा कि इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में पहले से जानते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग। और शायद यही रीजन था जब मैं आ रहा था, तालियां कम बजी। दोस्तों एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हथेली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके दबने मात्र से हजारों बीमारियां खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से किसी को नहीं पता कि कौन सी पॉइंट दबने से कौन सी बीमारियां खत्म होती है। दोस्तों एक रास्ता है, जब हम ताली बजाते हैं सारे पॉइंट एक साथ दबते हैं और हजारों बीमारियां खत्म हो जाती है। दोस्तों आज समय भी है और वक्त भी है, तो हो जाए एक जोरदार तालियां आपके सेहत के नाम पे। दोस्तों यहां बार बार बातें चल रही है हेल्थ की, तो आप सबको लग रहा होगा कि हेल्थ की बात कर रहा है, यानी सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर तो नहीं है। मैं शुरू में क्लियर करना चाहूंगा, माई सेल्फ अमित दुबे, मैं BHU का एक स्टूडेंट हूं। क्योंकि दोस्तों बीमारी दो तरह की होती है, एक डिजीज और एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज वो है जो किसी वायरस बैक्टीरिया वगैरह की वजह से होता है, और लाइफ स्टाइल डिजीज उसे बोलते हैं जो हमारे खाने पीने की वजह से होता है। डिजीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर और डिग्री की जरूरत है, लेकिन दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज के इलाज के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहूंगा, आपके घर में कोई भी बच्चा जब गर्मी से घर पे आता है, आप लोग बोलते हैं बेटा ठंडा पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा। आप डॉक्टर है क्या? लेकिन एडवाइस कर देते हैं। कभी भी किसी को चोट लग जाती है, मम्मी बोलते हल्दी चूना लगा लेना, दर्द सही हो जाएगा। मां डॉक्टर है क्या? लगा लेते हैं, सही हो जाता है। वैसी दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करने के लिए हमें किसी भी डिग्री और डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज से कुछ साल पीछे जाके अगर हम देखते हैं, तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के 60 साल तक उसको कहीं कोई बीमारी नहीं होती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लास्ट में शायद कोई प्रॉब्लम होती थी तो वैद्य का सहारा लेता था या घरेलू इलाज से सही हो जाता था। तो क्या ऐसा हुआ, आज इंसान वही है, आज भी जीता 70-80 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी समय में मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि पुराने समय में बीमारियां क्या थी, हैजा, प्लेग, चेचक, जब ये बीमारियां होती थी गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन बीमारियों का इलाज है। लेकिन आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म लिया, जैसे सर्दी खांसी जुकाम। ये बीमारियां के लिए कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ थी। इतने जमीनें होती थी कि हम थोड़ा सा भी अगर गोबर वगैरह डाल के खाद बनाए तो फसल ओरिजिनल तरीके से उगाया जा सकता था। आज पॉपुलेशन हो चुकी है 125 करोड़, आबादी 3 गुना 4 गुना बढ़ गई और जमीनें घट गई, क्योंकि जहां पहले फसल उगाते थे वहां लोगों ने घर बना दिया। तो आज फसलें उगाई नहीं जाती, फसलों को बनाया जाता है। पुराने समय हम नेचुरल चीजें खाते थे, मेडिसिन का काम करता था। आज हम खाते हैं पिज्जा बर्गर जो जहर का काम करता है। आज अगर पीछे के समय में जाके देखे तो पुराने समय में लोग नेचुरल फल फूल खाते थे, आज फल फूल उगाने के लिए इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है। आज फल फूल उगाने के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का सहारा लिया जाता है। कुकिंग मेथड बदल चुका है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का सहारा लिया जाता है। पुराने समय में लोग मौसमी फल फूल खाते थे, आज कोल्ड स्टोरेज का सहारा लिया जाता है। कोई भी फल फूल उगाने के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। अब आप सोचिए, जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, बंदा नाक में मास्क लगाया हुआ है, जिस चीज को सूंघने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हम उसको खाएंगे उससे प्रॉब्लम होगी? यस या नो? होगी दोस्तों। आज कोल्ड ड्रिंक हमारा फैशन बना हुआ है, दिन रात लोग पिज्जा बर्गर अपने अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो सब में जहर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि आपके आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स डाले हुए मिलते हैं, हमारे बच्चे उसी को खाते हैं। अरे ये तो थी खाने पीने की बात, शायद इससे कोई बच भी जाए।
वाटर पोल्यूशन कैसे बच सकते हो, एयर पोल्यूशन कैसे बच सकते हो, मोबाइल रेडिएशन, आज घर घर में लोग दो दो तीन तीन मोबाइल लेते हैं। दोस्तों मोबाइल रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी भयंकर और खतरनाक बीमारियां आ रही हैं। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से कुछ नई बीमारियों ने जन्म लिया, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आज हर 5 में से एक इंसान हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। 35% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में हार्ट की वजह से मर रहा है। पहले लोग बोलते थे 3 बार हार्ट अटैक आएगा, लेकिन दोस्तों आप जाइए देखिए, बंदा रात को सोता है सुबह खल्लास, पता नहीं चलता, पता चला हार्ट अटैक से मर गया। कैसे? हर 7 में से एक इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। पहले लोग बोलते थे अमीरों की बीमारी है, आज कब किसको डायबिटीज हो जाए कोई नहीं बता सकता। लोग लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी का शिकार लोग हो रहे हैं, लोगों की किडनियां खराब हो रही है, लेडीजों को तमाम प्रॉब्लम आ रही है। अब आप सोचिए करें तो करें क्या, क्योंकि जब भी हमारे और आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल साइंस के पास जाते हैं। डॉक्टर पैरासिटामोल और बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयां दे देता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि अब एंटीबायोटिक दवाइयों ने भी काम करना छोड़ दिया है। तो करेंगे क्या, क्या हमारे घर में कोई बीमार होगा उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्या आपके बच्चे बीमार होंगे उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्या ऑप्शन है? दोस्तों एक ही ऑप्शन है, हमें पुनः उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हमने छोड़ा है, वो है आयुर्वेद। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर और परिवार सुरक्षित रहे, आयुर्वेद को अपनाना है। दोस्तों शायद मैं ये बात बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगी, देखिए एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। क्या चलाना है पीछे, जैसे खत्म होगा, देखा दोस्तों आपने। अब आप मर्जी से आओ चाहे मजबूरी से आओ, अगर चाहते हो अपने परिवार को फिर से वही हेल्थ देना, आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं बोलता हूं आप कुछ मत करो, यहां से जाने के बाद अपने घर की 5-10 हैबिट चेंज कर दीजिए, घर के मसालेदानी सही कर दीजिए, 50 बीमारी आपके घर से निकल जाएगी। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीने की हैबिट डाल दीजिए, सुबह उठ के अगर हम 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं पेट से संबंधित हजारों बीमारियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये तो बात उनके लिए थी जिनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज से ऑलरेडी ग्रस्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या? तो दोस्तों हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमारी कंपनी जिसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद आपके लिए तैयार किया है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कंपनी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड क्यों, क्योंकि दोस्तों सॉलिड लेट असर करता है, लिक्विड जल्दी असर करता है। आज आयुर्वेद के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही थी कि लोग आयुर्वेद में चूर्ण देते थे, लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी ने 2.5 साल रिसर्च करने के बाद लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद तैयार किया है, और हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग। अब जैसे इम्यूनोडॉग बोले क्या करना है, 4-5 जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मोटा मोटी बताना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज के डेट में कोरोना काल ने हर किसी को सिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान सुरक्षित तब है जब उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी। पुराने दौर में जब किसी की तबीयत खराब होती थी तब लोग सोचते थे कोई प्रोडक्ट लें, लेकिन दोस्तों हमारा इम्यूनोडॉग आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही कर लेंगे तो कोई वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक ही नहीं करेगा। इसके अलावा किसी को गैस की समस्या हो आप इस प्रोडक्ट को आसानी से दे सकते हैं, किसी को खुजली की शिकायत हो, एलर्जी की शिकायत हो, उस केस में भी इम्यूनोडॉग आप दे सकते हैं। और दोस्तों आज हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इम्यूनोडॉग को यूज किया है और जिनके घर में रिजल्ट है। मैं प्रोग्राम के लास्ट में उन लोगों से आपको जरूर मिलाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा हमारा प्रोडक्ट है डाइवोडॉग। डायबिटीज चाहे किसी भी प्रकार की डायबिटीज हो उसके लिए रामबाण डाइवोडॉग इज द कंप्लीट पैकेज फॉर डायबिटीज। आज ऐसे ऐसे लोग जिनकी 5-5 600 लेवल की डायबिटीज थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन इस डाइवोडॉग की बदौलत दोस्तों 3-3 महीने के अंदर डायबिटीज कंट्रोल में आई है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला प्रोडक्ट है थायरोडॉग। आज थायराइड के लिए मार्केट में लोग पता नहीं कौन कौन सी दवा यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अंग्रेजी दवा यूज करने से अगर आप थायराइड के लिए दवा यूज कर रहे हैं छोड़ देते हैं आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी दीज आर द एडिक्टिव प्रोडक्ट, लेकिन हमारा थायरोडॉग पूर्णतः आयुर्वेद से बना हुआ है, चाहे वो हाइपरथायरॉइडिज्म हो चाहे हाइपोथायरॉइडिज्म हो, दोनों केस में जबरदस्त रिजल्ट देती है थायरोडॉग। नेक्स्ट
चार पांच प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना है, क्लियर? कितने? चार पांच। और इस तरह दोस्तों ऑर्थो संबंधित प्रॉब्लम के लिए ऑर्थोडॉग, मोटापे के लिए ओबियोडॉग, ताकत के लिए नर्वस सिस्टम के लिए थंडर ब्लास्ट, धड़ाधड़ बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताते जाओ। क्लियर है? क्लियर है? दोस्तों हमारे पास जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, उन सब से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप प्रोडक्ट की विशेष जानकारी इस प्रोग्राम के बारे में जरूर लेके जाना। अब दोस्तों जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, अब हमें कहां स्विच करना है? बिजनेस प्लान के बारे में। क्या करना है? बिजनेस प्लान के ऊपर बात करना है। लास्ट में एक चीज जरूर करना चाहिए आपको, जैसे आपने प्रोडक्ट बताया, दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई में इतने रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये प्रोडक्ट वाकई में इतना रिस्पॉन्स देते हैं। दोस्तों बात अगर मैं खुद करूं तो बात जमेगी नहीं, हमारे पास प्रूफ है। और इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अपने एरिया के हैं, जिन्होंने आज से पहले हमारे प्रोडक्ट को यूज किया था और आज उनके पास रिस्पॉन्स है। तो मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस हॉल में बैठे जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज से पहले हमारा प्रोडक्ट यूज किया और रिजल्ट आया, वो लोग स्टेज पे आए और अपनी अपनी टेस्टिमनी दे। एक जोरदार तालियां उन लोगों के लिए होनी चाहिए। चार पांच लोगों को रखना जिन लोगों ने प्रोडक्ट वाकई में यूज किए हैं और रिजल्ट आए हैं। क्लियर है? क्लियर है? दोस्तों ये तो बात थी हेल्प की, लेकिन आज के डेट में एक दूसरी समस्या भी समाज के सामने है, वो है वेल्थ की समस्या। आज हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। लेकिन दोस्तों इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ लोगों की हेल्प करते हुए अगर पैसे कमाने का मौका मिले तो क्या आप ऐसे ऑप्शन को जानना चाहेंगे? यस या नो? तो दोस्तों आगे की अपॉर्चुनिटी बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद हैं, जिनको मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। लेकिन उनको कॉल करने से पहले आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सो प्लीज वेलकम एक जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विकास कुमार सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। समझ में आया? बोरिंग लगा क्या? सुनने में मजा आया नहीं आया? लंबा लगा क्या? अभी प्लान लोग देते हैं 2 घंटा, लगे हुए डॉक्टर बनने। तो डायबिटीज कैसे होता है दोस्तों? टाइप 1 और टाइप 2। मुझे भी टाइप 1 हुआ था। कोई डिस्क्रिप्शन करने, आप उतनी ही बात करो जिससे हमारा काम बन जाए, हम उतनी ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे जिससे हमारा काम, दिखाओ सारे प्रोडक्ट लेकिन ठक ठक खटाखट खटाखट। समझ में आ रहा है? ओमेगा कैप्सूल ओमेगा डॉग, विटामिन कैप्सूल बीटा डॉग, ऐसे धड़ाधड़ पूरे 67 प्रोडक्ट निकाल दो ताकि हम इंफॉर्मेशन भी दे दें। क्योंकि देखो इमेज है ना, ये इमेज चल रहा है, इमेज एक बार भी दिमाग में आई तो दिमाग में क्लिक तो जरूर करेगा। यस या नो? यस या नो? अब किसी को बच्चे वाली प्रॉब्लम हो तो हमने दिखा दिया भाई, किड डॉग है हमारे पास, बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो किड डॉग, लेडीज से रिलेटेड कोई भी समस्या हो गाइनो डॉग। क्लियर है? तब हमें क्या शुरू करना है? बिजनेस प्लान। क्लियर है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा।